तो क्या हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, यानी जो उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है कुछ इस तरीके से है कि वो सारे के सारे मतलब वो इफेक्टिव मैनेजमेंट में उसको हेल्प कर रही है, यानी उसका मैनेजमेंट इस तरीके का है कि उसके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स उसे सेटिस्फाइड है, अपनी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे वो डिस्चार्ज हो रही है, मतलब उसे वो फुलफिल कर पा रही है, तो वो होती है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अब देखो आपको ना ये लॉजिक लगानी है, मैं कोई बोल नहीं रहा इस पर, देख के नहीं बोलना अपन, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सोचो आप। देखो सारे के आप देखो, आपको पता है कि कंपनी, एक क्वेश्चन आता है नेट में और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग करता है, वो कंपनी है। मैनेजर ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, और उसके जो मैनेजमेंट होता है वो कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों अलग करते हैं। अब देखो हमने जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो वहां पर जो बीएमजी हाइपोथेसिस थी वो क्या पढ़ी थी, मैनेजर्स है वो अपने पल्स और पक्स को एक्सेस ज्यादा रखना चाहते हैं और ये जो ओनर अपने चाहते हैं, मतलब वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है वो उसको करता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अपना करेगा, ओनर्स अपना चाहता है कि उनको ज्यादा डिविडेंड मिले, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आया। तो इस चीज को रोकने के लिए आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गई। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, यही हो गया ना ऑब्जेक्टिव, सेफ गार्ड द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, यही है ना, ओके, एंश्योर सक्सेस ऑफ द कॉर्पोरेट, भाई सक्सेस भी तो करनी है ना, तो ये भी इसलिए भी उसका है। ठीक है, गिव ईज ऑफ एक्सेस टू चीप फंड्स, मतलब सस्ते फंड्स भी मिल जाए उसको, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी है तो आपको आसानी से फंड मिल जाएगा, जैसे इस वक्त अदानी कहीं से भी पैसा मांगे मिल जाएगा किंगफिशर को, क्यों, क्योंकि उस मिल जाएगा, हाँ तो किंगफिशर को नहीं मिलेगा। ठीक है ओके, और क्या आपका फाउंडेशन फॉर गुड गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ठीक है, गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी आपके पास बने, मतलब कि जो कंपनी है उसमें कुछ इस तरीके का लोगों का जो वो है काम करने का तरीका एक अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप अटैच कर रहे हो, मतलब आपकी कंपनी का नाम, अदानी ग्रुप एक ग्लोबल लेवल पे काम करती है, रिलायंस एक ग्लोबल लेवल पे काम करती है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मतलब आपको ना एक बात पता होनी चाहिए, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर उसका मीनिंग क्लियर है तो आपको पता लग जाएगा ये बनाई क्यों गई थी। ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर देंगे। अब कुछ थ्योरीज है बेसिक बेसिक सी पढ़नी है, हमें इतनी नहीं पढ़नी होती, मैनेजमेंट वालों को ज्यादा पढ़नी होती है, आपके में आती भी नहीं है। क्या कहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी, देखो सबसे पहले आपके पास आई एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या कहती है, एक क्वेश्चन आता आपके पास, क्वेश्चन क्या है, प्रमोटर सुना आपने, सभी ने सुना है प्रमोटर्स, और एक आपने सुनी है कंपनी, ठीक है, प्रमोटर एंड दूसरी अपने कंपनी, दोनों में रिलेशनशिप कैसी होती है, ऑप्शन दो, प्रमोटर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, सेकंड एम्प्लॉइज है, तीसरा ओनर है, फोर्थ आपका ट्रस्टी है, ठीक है, क्या है बताओ। हाँ भाई, ये चारों रिलेशनशिप नहीं होती एक कंपनी, और उसमें ना तो वो एजेंट होता, ना एम्प्लॉय होता, ना ओनर होता, ना ट्रस्टी होता, तो फिर होता क्या है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, याद रखना फ्यूरियस रिलेशनशिप बोली जाती है। ठीक है, याद रखना, एक प्रमोटर और कंपनी उनके बीच में होती है फ्यूरियस रिलेशनशिप, उसका भी मैं मतलब बताता हूं अभी, और मतलब ये होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि भाई हम आप में ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस है। अब आगे भी सुनो, एक तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई रिलेशनशिप कैसा होता है, ओके क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ इसके साथ जनरेट हुआ कि कंपनी की क्या लायबिलिटी बनती है, कंपनीज लायबिलिटी टुवार्ड्स प्रमोटर्स, बताओ क्या लायबिलिटीज बनेगी प्रमोटर्स की, क्या लायबिलिटी बनेगी, सुनो मेरी बात, देखो उसने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको पे करे, उसने जो एक तो लायबिलिटी बतानी है आपने, मेरा पहला ऑप्शन क्या है, टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो किसने किए हैं आपके प्रमोटर्स ने, सेकंड आपके पास आया ऑप्शन
कि भाई जो इसने काम किया है इसके बदले वो सैलरी भी दे, है ना। तीसरा भाई इतने दिन आपके साथ काम किए हैं तो जो भी इसने कुछ लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं वो सारे इसको पे करे। और फोर्थ आपका आता है कि भाई कुछ इसमें शेयर होल्डिंग भी दे। तो क्या लायबिलिटी बनती है कंपनी की टुवार्ड्स प्रमोटर, क्या उसके लिमिट एक्सपेंसेस को पे करे करे, ठीक। दूसरी चीज आपका वो उसको सैलरी भी दे, हाँ ओनर लगा लो कंपनी। देखो आपने हमने पहले एक चीज पढ़ ली है कि हमने एक चीज पढ़ी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि उसका जो ओनर है और जो कंपनी वो अलग है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अलग चीज है, उसमें कौन विषय आ रहा है कौन आ रहा आते रहेंगे जाते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है ये चलती रहेगी, कब से चल रही है चलती आ रही है। आपको अपने बहुत अच्छे से प्रिंसिपल पढ़े हैं इसलिए पढ़ाए जाते हैं स्टार्ट में कि आप समझ पाए कि कंसेप्ट क्या कहता है, कि वो दोनों अलग चीज है। कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी से अलग है, ये फैक्ट है, आप ये मान के चलिए, है ना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है आपको, ओके। मेरे मैंने कहा कि क्या उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करे जो उसने इनकर्ड किए हैं, चलो चलो उसको सैलरी दे देते हैं। मैंने कहा कि उसकी क्या क्या लायबिलिटी, आपने कहा उसको सैलरी दे, दूसरा आपने कहा कि उसके शेयर होल्डिंग भी दे, ठीक है शेयर होल्डिंग भी दे देते हैं हम आपको, ठीक है ठीक है। तीसरा और बताओ और क्या दे उसको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो उसने दिए उसको भी दे दे, उसके जो सब कुछ सैलरी में दे दिया आपने, ठीक है। और यही दे शेयर भाई, कोई भी इसकी लीगल लायबिलिटी नहीं बनती टुवर्ड्स कंपनी ड्यू टू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस या ड्यू टू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ओके। अब क्या है कि कंपनी देखो इन्होंने इसके लिए काम किया है, ट्रस्ट किया था कब उसने प्रमोटर ने कि कंपनी इसके साथ बुरा नहीं करेगी, तो कंपनी क्या करती है इसको कुछ शेयर होल्डिंग दे देती है, इसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी पे कर देती है जो चाहे, तो इसका जो भी रेमुनरेशन बनता है वो पे कर देती है। अब क्वेश्चन ये आता है जब भी कोई कंपनी जब भी कोई एंट्री होती है तो आप फिर से प्लस वन प्लस टू में जा रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू प्लस में ओके कैपिटल, ये एंट्री होती है, ठीक है चलो ये एंट्री कर दी आपने। अब प्रमोटर्स को ना बिना पैसे लिए आपने इनको शेयर इशू करने हैं, प्रमोटर्स को बिना पैसे लिए आपने शेयर इशू करने हैं। मैं एक एंट्री कर देता हूँ, किसी ने पैसे लगाए वो ये थे कि 5 लाख रुपए का कैश किया, क्योंकि हर बार जब आप पढ़ते थे 5 लाख से बिजनेस शुरू करते थे, इधर भी कैपिटल की कितनी हो गई, ठीक है लाइबिलिटी जीरो। अब आपको एक एंट्री करनी है, एंट्री क्या करनी है कि प्रमोटर को शेयर इशू करने हैं और बिना पैसे लिए, करके दिखाओ, शाबाश करिए। एक्सपेंसेस शेयर इशू या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल, तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता था, फिर उन्होंने क्या किया कि इसको गुडविल मान लेते हैं भाई, ये ज्यादा बड़ा अमाउंट है कि इन्होंने इसके लिए कंपनी बनाई तो कुछ ना कुछ गुडविल क्रिएट की है, तो फिर वो क्या एंट्री होती है, वो एंट्री इस तरीके से होती है कि एसेट्स में ना ऐसे गुडविल एंटर कर देते हैं, 2 लाख रुपए की क्या हो गई गुडविल हो गई, और इधर क्या हो गई आपकी 2 लाख रुपए की कैपिटल आपने ऐड कर दी। तो एंट्री जो हुई, याद रखना ये एंट्री भी क्वेश्चन में एग्जाम में आई भी हुई है, कि जब भी प्रमोटर के शेयर्स को शेयर इशू किया जाता है तो क्या डेबिट होता है या क्या क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हो गई एंट्री। तो कई क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए यहाँ से, पहला प्रमोटर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या लायबिलिटी होती है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा आपने ये पढ़ लिया कि जब भी प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगी, तो आप समझ में पाए कि क्या एंट्री होती है, है ना। तो डेबिट क्या होता है, गुडविल या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाओ, ये जो थ्योरी है आपकी एजेंसी थ्योरी, ये क्या कहती है कि जो देखो अब यहाँ पर क्या है, फ्यूडियसी रिलेशनशिप होती है किसी में, हमने पढ़ा था कंपनी और एजेंट यानी उसके प्रमोटर्स के बीच में या जो आपके ओनर्स जो आपके बाद में बनेंगे। अच्छा एक और वर्ड आप सुनिए, एक एंजल इन्वेस्टर होते हैं, विच एंजल इन्वेस्टर, सुना होगा आपने एंजल इन्वेस्टर का मतलब, जो कंपनी में पहली बार पैसा लगाए, कंपनी में जब बनी है ना जैसे नई कंपनी बन गई उसमें पैसा कौन लगाएगा, तो वो क्या होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो पहली बार पैसा लगाए, ठीक है। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 25% थी,
मतलब 25% लोग मतलब पैसा लगाते थे, 50% के अराउंड हो गई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें ऑलमोस्ट 49% मतलब 50% के अराउंड शेयर एकमात्र पर्सन के हैं, और वो कौन है आपका, मुकेश अंबानी। मतलब कंपनी में भी उसकी जो शेयर होल्डिंग है, मैंने वो तो बता दी कि वो उनके बनाई हुई उनके घर की है, लेकिन उसमें जो शेयर होल्डिंग भी ना उसमें इनकी है, खुद की शेयर होल्डिंग है। अब इतने परसेंटेज की उसके पास क्या है, ओनरशिप है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, फ्यूडेशियल रिलेशनशिप की कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का लिमिट होता है। अब यहाँ पर जो एजेंट जो होता है ना, एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल होंगे उसके शेयर होल्डर, और एजेंट कौन होंगे आपके बोर्ड ऑफ, अब देखो ये चीज क्या है, एजेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, इनको पैसा कमा कर देते हैं और इनको ये पे करते हैं, है ना। डायरेक्टर्स को क्या मिलती है, फीस मिलती है, आप कहते हैं ना उसको फीस मिलती है ना, मैनेजर को रेमुनरेशन बोलते हैं ना, अभी पीछे पढ़ के आएंगे, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, और वर्कर्स को, और आप लोगों को अच्छा ठीक है। अब ये देखो अजम्पशन यही है कि दोनों के बीच में फ्यूडियसरी रिलेशनशिप होती है शेयर होल्डर्स के बीच में, है ना। देखो वही, फिर वही बात आ गई, शेयर होल्डर्स इंटरेस्टिंग होते हैं क्या, मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, और वाइल मैनेजर्स किस में होते हैं, प्रोटेक्टिंग हिज पे एंड पक्स। बस ये बेसिक कंसेप्ट काम कर रही है हर जगह, कि मैनेजर्स अपना चाहते हैं और वो अपना चाहते हैं, और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप वही ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का है ना। और एजेंसी प्रॉब्लम, ये देखो प्रॉब्लम क्या आई, एक एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब इस दोनों इनमें कॉन्फ्लिक्ट बन गया, जिसकी वजह से एजेंसी कॉस्ट आएगी। एजेंसी कॉस्ट कौन सी, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप लोगों को लगा रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, सारी कॉस्ट है, इसकी वजह से आ रही है, ठीक है। और ये देखो इस तरीके का ग्राफ बन गया आपका, प्रिंसिपल है ना, और इधर क्या है, एजेंट्स। अब देखो प्रिंसिपल ने इनको हायर किया है और डेलीगेट किया, क्या अथॉरिटी दी है, एजेंट्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना। इन्होंने क्यों लिए, क्योंकि इनका सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग पे एंड पक्स, इनके लिए काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म क्या कराएंगे, इनका सेल्फ इंटरेस्ट है वो की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आगे समझ में, तो एक तो ये एजेंसी थ्योरी ने बता दिया, ठीक है, ओके। एक दूसरी चीज आएगी आपके पास, स्टेवार्डशिप थ्योरी। ये ना देखो, पहले ना जैसे क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, जैसे कि डबल, आपने पता होगा आपको कि डबल एंट्री सिस्टम कब आया, 1494 लुका पैसियोली, यही पढ़ा है ना आपने। पहले कोई अकाउंट नहीं मेंटेन होते थे, बस अपने एंट्री करके रख लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, अकाउंट रखे जाने लगे स्टार्ट में, किसके लिए, ओनर के लिए। ओनर चेक करना चाहता था कि उसका प्रॉफिट क्या है, स्टेवार्ड, स्टेवार्ड मींस ओनर। और स्टेवार्ड कब की कंसेप्ट है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से पहले की कंसेप्ट है, जब आपका सबसे पहले आपकी चीज आई कि भाई अकाउंट जो मेंटेन होंगे ना वो किसके लिए होंगे, स्टेवार्ड्स के लिए, यानी ओनर्स के लिए। ओनर सिर्फ अपना प्रॉफिट चेक करना चाहता है, बात समझ में आ गई आपको। ओनर्स क्या चेक करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को चेक करना चाहते हैं, इसी चीज को बोलते हैं स्टेवार्डशिप थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी, डोनाल्डसन ने दी आपकी। स्टेवार्ड्स का मतलब होता है ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब उसी में एक ही चीज मानी गई, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर। बस वो क्या चाहते हैं, शेयर स्टेवार्ड चाहते हैं कि अपने अकाउंट मेंटेन हो जाए, और पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि भाई जो भी उनका प्रॉफिट है वो देख पाए, और जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। अजम्पशन वही है, सीनियर मैनेजर आपके सुपीरियर एक्सेस होता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, नीड नहीं आपको, बस ये पता होने की थ्योरी क्या है, स्टेवार्डशिप थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। वही शेयर होल्डर का काम क्या होता है, स्टेवार्ड्स का क्या काम होता है, देखो शेयर होल्डर्स ट्रस्ट करते हैं स्टेवार्ड्स में और उनको ऑटोनॉमी देते हैं, ठीक है, उनके पास होती है। एम्प्लॉय एक्ट टू इंश्योर द शेयर होल्डर्स रिटर्न आर मैक्सिमाइज, मतलब शेयर होल्डर्स की रिटर्न जो होंगी वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होंगी, इसको इंश्योर करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है कि एजेंसी कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है, कब हो जाएगी, बिकॉज मैनेजर्स वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन, मैनेजर्स अपनी को कम करना चाहते हैं, यानी अब एजेंसी कॉस्ट का मतलब क्या है, अब मान लो एम्प्लॉय उसने ओनर्स ने उनको लगाया है,
30-40-50 हज़ार 1 लाख रुपए में मैनेजर लगा है, कॉस्ट तो लग गई ना, एजेंसी कॉस्ट, एजेंट बनाने की कॉस्ट, एजेंसी कॉस्ट हो गई। अब ये कम कैसे होगी, अगर उसने अपना अच्छा से परफॉर्म कर दिया, ज़्यादा प्रॉफिट कमा दिया, यानी उसी कंपनी से प्रॉफिट कमा के उसमें अपना प्रॉफिट भी निकाल दिया और उसको दे दे, तो क्या हो जाएगी आपकी एजेंसी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ये इस तरीके से रिलेट कर रहा है। मैनेजर्स को अपनी रेपुटेशन का खतरा है, जॉब का खतरा है, उसको बचाने के लिए वो काम करेगा, काम करेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। एक तो पढ़ी आपने एजेंसी, रिलेशनशिप होती है फ्यूडियसरी या ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, और इसने कहा स्टेवरशिप की, ठीक है। एक आई स्टेक होल्डर्स थ्योरी, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है कि ये सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अपने वो करता है मतलब सेटिस्फाई करता है। जैसे फर्म है, ये इंटरनल हो गई एक्सटर्नल हो गई, देखो फर्म ने क्या किया, सप्लायर, एम्प्लॉई, आपकी जो कम्युनिटीज है, कस्टमर है, आपका जो फाइनेंसर है, उनको पहले तो ये है आपका प्राइमरी और ये सेकेंडरी, कि भाई आप एनजीओ को, क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया, गवर्नमेंट, ये इन सबको क्या कर रहे हो आप सेटिस्फाई, ये प्राइमरी है और ये आपके सेकेंडरी है, ये जो आपका है ना सारे प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी, इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ये आपका क्या था, तीन आपके पास थ्योरी आई आपके पास। एक ये क्वेश्चन आपका आता है, फोर पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चार पिलर कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है और आएगा भी, चार पिलर कौन से है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। एक तो ट्रांसपेरेंसी, मीनिंग बताऊंगा पहले चारों समझ लीजिए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा आपका फेयरनेस और फोर्थ आपका इंडिपेंडेंस। चार है आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और इंडिपेंडेंस, चार आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए और पिलर हो गए, प्रिंसिपल नहीं पिलर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेरे को ध्यान अच्छे से, एक बार एग्जाम में तीन पिलर दे दिए तो, और तीन दे रखे थे, फोर्थ नहीं दे रखा था, और ये कह रखा था इनमें से बताइए कि कौन से पिलर है, और भी दो चार और दे रखे थे, तो उनमें से तीन दे रखे थे, तीनों को सेलेक्ट करके लिखना था। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये एज इट इज याद रखने हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और इंडिपेंडेंस, ये चार पिलर है किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी काम हो रहा है सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो, ईमानदारी के साथ हो, सबको पता हो कि काम क्या हो रहा हो, फेयरली काम हो रहा चाहिए, फेयरनेस, ठीक है। किसी के साथ भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस मतलब ये नहीं कि किसी एक के हित को, इंटरेस्ट को आपने हाई कर दिया, किसी को कम कर दिया, ठीक है, वो भी आपको सेम रखना है। तीसरा आपके पास है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो कि भाई कौन काम है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी चीज़ होनी चाहिए। और फोर्थ, आप किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंसी के साथ काम करेंगे। तो ये चार पिलर हो गए, क्वेश्चन तो बस इतना ही आपका, ये जो एग्जाम में आएगा। तीन थ्योरी पढ़ी अपने, एक तो पढ़ी एजेंसी, स्टेवरशिप थ्योरी और तीसरी स्टेक होल्डर, तीन थ्योरी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मीनिंग आपको पता लग गया, फादर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पता लग गया और फोर पिलर पता लग गए, ठीक है, ओके। ये मैं बता ही चुका हूँ कि क्या होता है। हाँ, एक और चीज आती है, डायरेक्टर्स सुने होंगे आपने, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुने होंगे, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स सुने हैं आपने, एक तो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, एक होते हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव और तीसरा इंडिपेंडेंट, तीन तरीके के डायरेक्टर हैं। देखो कंपनी में तीन तरीके के डायरेक्टर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट। मीटिंग में आए, डिसीजन बनाया, सारे डायरेक्टर्स आए मीटिंग में, आए डिसीजन बनाया और उस डिसीजन को जो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब बिजनेस में अप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते, मतलब डिसीजन बनवाने में आपकी हेल्प करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में आपकी हेल्प नहीं करते, वो होते हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, समझना कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंट करा दे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करा दे, जो मीटिंग में आए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कराए उसको कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सब अच्छे से काम कर रहे या नहीं कर रहे इसका ध्यान रखेगा, ये अनबायस्ड होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब मीनिंग अलग है इसका। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा होता है, वो एज एन एक्ट, इसका एक्ट जो होता है ना, इसका देखो इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती,
इनको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी, इसको भी फीस मिलेगी लेकिन इसको मिलेगी सैलरी। इसका एक टाइम होगा 10 AM टू, जो भी इसका टाइम पीरियड फिक्स होगा, जिसका टाइम पीरियड फिक्स होगा, इसकी सीटिंग होगी, इसकी प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस लगेगी, सैलरी मिलेगी इसको। और इसका काम क्या है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मीनिंग। और इसका जो एक्चुअल जो इसका ड्यूटी जब वो तो ये है, लेकिन एक्चुअल लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तीनों तरीके के डायरेक्टर समझ में आया, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और तीसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। अब एक और चीज आ गई, कुछ बोर्ड कमेटीज आपके पास आई। देखो कमेटी आप समझते हो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी डिसीजन के लिए होती है। तीन तरीके की आपकी कंपल्सरी कमेटीज है, इनका देखो फंक्शन क्या, गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन, ये तो बता लोगे आप। ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, एक और क्वेश्चन आ गया, कौन सी बोर्ड कमेटीज आपकी कंपल्सरी है, कौन सी नॉन मैंडेटरी है। नॉन मैंडेटरी में कुछ भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बना लो आप, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी में आप पढ़िए, एक तो आपकी है ऑडिट कमेटी, ठीक है, एक आपकी है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, और एक आपकी है स्टेक होल्डर्स कमेटी। इसका सेक्शन है 177, 178 इसका है, इसका 135। अभी हम देख लेंगे बारी बारी से क्या होता है। ऑडिट कमेटी, ऑडिटर से रिलेटेड होगी आपकी, ठीक है, कहाँ अप्लाई होगी ये भी अभी हम बात करेंगे। एक नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, ये भी आपकी कंपलसरी या मैंडेटरी कमेटी है। तीसरी आपकी स्टेक होल्डर्स कमेटी, ये भी आपकी मैंडेटरी है। और फोर्थ आपकी CSR कमेटी, ये चार आपकी मैंडेटरी है, ठीक है, इन्हीं को पढ़ना है बस हमने, ओके। ऑडिट कमेटी क्या होती है, हाँ 177 ही बताया था ना मैंने, हाँ ठीक है, इसका यही है। ऑडिट कमेटी किसको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, देखो एवरेज लिस्टेड कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी विद कंडीशंस एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, 177 ऑफ रूल 2014। कंडीशंस क्या है, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज्यादा है। और तीसरी कंडीशन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन जिसके 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। याद रहेगी ये बात, पहली क्या लिखा आपने, जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़। एक और चीज ना, जितनी भी कैपिटल ली जाती है ना हमेशा पेड अप ली जाती है, कहीं पे भी देख लेना आप, कंपनी का मीनिंग देख रहे हो आप, कहीं और चीज में देख रहे हो, तो पेड अप के बेसिस पे डिसाइड होता है। पहले क्या लिखा, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा, और तीसरा एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन आपका 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो, तो वो आपकी क्या होती है, ऑडिट कमेटी। दूसरा होता है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, सेक्शन 178 है इसका, सेम कंडीशन जो आपने ये पढ़ी है यही रहेगी, ठीक है। और स्टेक होल्डर कमेटी ये भी आपकी सेम रहेगी, लेकिन सेक्शन आपका बदल जाएगा। तीनों सेक्शन याद हो गए, तीन कमेटी याद हो गई, उसके बाद मेन जो आया आपका CSR कमेटी, सेक्शन 135। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी, इनसे क्वेश्चन आता है, इसे अभी तक तो आया नहीं, लेकिन आया तो आप आराम से बता दोगे कि ऑडिट कमेटी कंपल्सरी है आपका, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी हो, स्टेक होल्डर कमेटी आपकी कंपलसरी, CSR कमेटी, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। क्या कमेटी है, कब अप्लाई होगी, कौन बनाएगा CSR कमेटी, किसको बनाने की रिक्वायरमेंट है। देखो ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ हो 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर हो 1000 करोड़ या इससे ज्यादा, और जिसका नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ या उससे ज्यादा। एक तो ये चीज, तीन कंडीशन आपके पास आ गई, नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000 और नेट प्रॉफिट 5। करना क्या है इन कंपनी को आपने तीन साल का प्रॉफिट का एवरेज कर ले, जैसे कि अभी 2022 है तो ऐसे कर ले 2020, 21 और 22, इन दोनों का कर ले एवरेज। जो भी आपका एवरेज आया इसका 2% उसको CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कि भाई पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि उसका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा।
ऐसी कंपनी को पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके उसका 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होगा। ये कहती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ठीक है, इस देखो CSR का काम क्या है, CSR का काम है कि ये 2% ना खर्च हो जाए, इसलिए बनाई गई कमेटी आपकी। और नहीं बनाई ना तो फिर ये बताएगी, ये इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा NCLT मतलब नेशनल कंपनी, और NCLAT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका भी फुल फॉर्म आ जाए ना तो ध्यान रखना। NCLT का मतलब हुआ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और NCLAT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये कई बार फुल फॉर्म आ जाए दो नंबर में तो ये रहना आ जाए आपकी, या तो NCLT। देखो ये क्या कहेगा, कंपनी नीड टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, इफ दे फेल टू डू सो, अगर ऐसा करने में असमर्थ है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा रीजंस ऑफ द NCLT को। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल को। ये कुछ एक्टिविटीज है जहाँ पर आप खर्च कर पैसा मतलब खर्च कर सकते हो, 10 तरीके की एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपका एलिमिनेशन ऑफ हंगर पुअर्टी माल न्यूट्रिशन का आ गया, प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। आप देखते नहीं आप, हाँ ये देखा देखते होंगे अपने एक नहीं एक ग्रुप है इधर, उन्होंने बहुत सारे ट्रीज लगाए हुए हैं, कौन सा ग्रुप है वो, हाँ वो सार का LPS वो उसने लगाई है, 2% में ही लगे हैं कभी आप सोचो कि अपनी तरफ से कर रहे हैं, MDU में प्रोग्राम कराते हैं ये, तो इस तरीके से 2% में ही ये सारी चीज़ होती है। एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी के लिए कोई प्रोग्राम करा दिया, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेरिटेज के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और क्या आपके आर्म फोर्सेस को, विडोज को, इन तरीके के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, इन पर आपको 2% आपको खर्च करना है। ठीक है, ओके। हाँ एक ये है कि एक कमेटी में कौन कौन होते हैं भाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट उसमें आपको पैसा लगाना होगा आपको, ठीक है,